चलो एग्जाम में यहां से जो सबसे पहला क्वेश्चन आ सकता है वो है क्या, इम्पोर्टेंस ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। आ रही बात समझ में? यहाँ पे ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन को लाइफलाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी क्यों कहा जाता है? ठीक है, तो इससे 2 मार्क का जो क्वेश्चन बनेगा वो ये बनेगा कि पेस ऑफ डेवलपमेंट किन 2 चीजों पे डिपेंड करता है। तो हमने कहा पेस ऑफ डेवलपमेंट पहले डिपेंड करता है किस चीज पे, कि आपके यहाँ प्रोडक्शन कितना हो रहा है, और दूसरा ये प्रोडक्शन वाला जो जो भी चीज है ये कंज्यूमर्स तक कितनी जल्दी पहुंच रही है। आ रही है बात समझ में? ठीक है, अब लाइफलाइन इनको क्यों बोलते हैं, तो हमेशा याद रखना रॉ मटेरियल को फैक्ट्रीज तक पहुंचाने के लिए इफेक्टिव मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट चाहिए। ठीक है, फिनिश गुड्स को कंज्यूमर्स तक पहुंचाने के लिए क्या चाहिए आपको, इफेक्टिव मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट चाहिए। पीपल को एक जगह से दूसरी जगह तक कैरी करने के लिए आपको क्या चाहिए, इफेक्टिव मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट चाहिए। इसके अलावा जब आपको इंटरनेशनल बिजनेस करना होता है एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का, तो भी आपको क्या चाहिए, इफेक्टिव मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन चाहिए। आई बात समझ में? तो इसलिए डेवलपमेंट में क्या चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन की बहुत इंपॉर्टेंस है एज वेल एज कम्युनिकेशन की। ठीक है ना, और ये तीनों एक दूसरे से क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है। सबसे पहले कहानी स्टार्ट कर देते हैं रोडवेज की। रोडवेज लार्जेस्ट नेटवर्क, वन ऑफ द लार्जेस्ट नेटवर्क इन द वर्ल्ड। टोटल लेंथ 3.3 मिलियन किलोमीटर, रेलवे से बेटर है। एज ओवर रेलवेज मतलब अगेन रेलवे से क्या है, बेटर है। और दिन पे दिन रोड्स की इंपॉर्टेंस बढ़ती जा रही है। रोड्स इंपॉर्टेंट या रोड्स के फायदे क्यों है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन सस्ता होता है और इजी होता है, डिफिकल्ट टेरेन पे भी हो जाता है कंस्ट्रक्शन। नेगोशिएट हायर ग्रेडियंट्स ऑफ स्लोप, नेगोशिएट हायर ग्रेडियंट्स ऑफ स्लोप का मतलब होता है पहाड़ों पे भी बन सकते हैं रोड्स। ठीक है ना, इकोनॉमिकल होते हैं, अगेन सस्ते होते हैं, यानी कि अगर आप क्या कर रहे हो, लो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, तो वहां पे साथ ही साथ इकोनॉमिकली भी याद रख लेना। क्यों? क्योंकि लोगों को सस्ता पड़ता है बाय रोड ट्रैवल करना। ठीक है, सुटेबल फॉर शॉर्ट डिस्टेंस, फ्यू पर्सन, स्मॉल अमाउंट ऑफ गुड्स। सुटेबल फॉर शॉर्ट डिस्टेंसेस, फ्यू पीपल और स्मॉल अमाउंट ऑफ गुड। डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड करता है। फीडर टू अदर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, फीडर टू अदर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट मतलब अगले पॉइंट में लिखा हुआ है कि रेलवे स्टेशन तक भी जाना है तो आपको रोड से जाना पड़ेगा, सी पोर्ट से भी तक जाना है तो रोड से जाना पड़ेगा, एयरपोर्ट पे भी जाना है तो। ठीक है, डिफेंस के लिए बहुत सुटेबल है, रूरल एरियाज के लिए बहुत सुटेबल है, फ्लेक्सिबल, रिलायबल और स्पीडी है। ठीक है ना, पेरिशेबल गुड्स या तो रोड ट्रेन से ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकते, शिप से भी ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकते। ठीक है, तो वो किसके थ्रू होता है, रोड्स के थ्रू होता है। ठीक है, फ्लड और ड्रॉट के टाइप पे बहुत काम आते हैं। क्लियर है, आगे जाएं। इंपॉर्टेंट ये गोल्डन क्वाड्रिलैटरल, गोल्डन क्वाड्रिलैटरल में क्या है, 6 लेन सुपर हाईवेज है। गोल्डन क्वाड्रिलैटरल में क्या है, 6 लेन सुपर हाईवेज है। दिल्ली कोलकाता चेन्नई मुंबई दिल्ली, दिल्ली कोलकाता चेन्नई मुंबई दिल्ली। आई बात समझ में? नॉर्थ साउथ कॉरिडोर का है श्रीनगर टू कन्याकुमारी, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर का है सिलचर टू पोरबंदर। ओके, ऑब्जेक्टिव क्या है, रिड्यूस टाइम एंड डिस्टेंस, और इसको कौन मेंटेन करता है, NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। दिल्ली कोलकाता चेन्नई मुंबई, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर में, यहाँ नीचे कौन, कन्याकुमारी। सिलचर ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, सिलचर ईस्ट आसाम, पोरबंदर गुजरात वेस्ट। ठीक है, मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है कि इनका डिस्टेंस और टाइम रिड्यूस करना है। कौन मेंटेन करता है, NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसके बाद आते हैं इससे थोड़ी छोटी चीज, नेशनल हाईवे जो हमारे देश के एक्सट्रीम पार्ट्स को कनेक्ट करते हैं। ठीक है, कौन मेंटेन करता है, CPWD सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। अच्छा, इसको सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट कर रहा है तो स्टेट हाईवे को कौन करेगा, स्टेट पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। ठीक है ना, और ये नॉर्थ टू साउथ भी है, ईस्ट टू वेस्ट भी है। नेशनल हाईवे नंबर 1 कौन सा है, शेरशाह सूरीमार्ग, कहाँ से कहाँ तक, दिल्ली से अमृतसर तक। नेशनल हाईवे नंबर 1 शेरशाह सूरीमार्ग, कहाँ से कहाँ, दिल्ली टू अमृतसर। स्टेट हाईवे स्टेट के हेडक्वार्टर्स को लिंक करते हैं, इनको मेंटेन करता है स्टेट पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, स्टेट पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। डिस्ट्रिक्ट रोड्स डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स को क्या करते हैं, लिंक करते हैं, और इनको मेंटेन कौन करता है, जिला परिषद। इसके अलावा जो रूरल रोड्स रहते हैं,
ठीक है, वो विलेजेस को टाउन से कनेक्ट करते हैं और विलेजेस को दूसरे विलेजेस से कनेक्ट करते हैं, और ये किसके अंडर कवर होते हैं, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना। इसके अलावा अगेन बॉर्डर रोड्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बॉर्डर एरियाज के रोड्स होते हैं कौन बनाता है, BRO। BRO का मतलब होता है बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। कब एस्टैब्लिश हुआ था, 1960, कब एस्टैब्लिश हुआ था, 19, ठीक है ना। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज में, ठीक है। और ये हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है। बेसिस ऑफ मटेरियल, दो तरह के रोड्स होते हैं, एक होते हैं मेटल्ड, एक होते हैं अनमेटल्ड। मेटल्ड किसके बने होते हैं, सीमेंट के, जो ऑल वेदर में खराब नहीं होते। अनमेटल्ड जो रहते हैं वो रेनी सीजन में खराब हो जाते हैं, ठीक है। हमारे यहाँ रोड डेंसिटी कितनी है, जम्मू एंड कश्मीर में 10 किलोमीटर है और केरला में 375 है। नेशनल एवरेज कितना है, 75 किलोमीटर पर स्क्वायर किलोमीटर, पर 100 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद रोड ट्रांसपोर्ट क्या है, रोड अभी रिक्वायर्ड से क्या है, कम है, इनएडिक्वेट है। लार्ज वॉल्यूम अनमेटल्ड बहुत ज्यादा है। नेशनल हाईवेज इनएडिक्वेट है। सिटीज के रोड्स बहुत कंजेस्टेड है, ठीक है ना, पुअर क्वालिटी के हैं और बहुत नैरो हैं, ठीक है। ट्रैफिक सिग्नल्स पे बहुत ट्रैफिक हो जाता है और ओवर द इयर्स रोड्स व्हीकल्स तो डबल हो गए बट रोड डबल नहीं हो पाए। बट अगर तुम लोग अभी लेटेस्ट बुक देखोगे तो प्रॉब्लम्स ऑफ रोड ट्रांसपोर्टेशन नहीं दी हुई है, क्लियर। रेलवेज इंपॉर्टेंट है हमारे यहाँ लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए, ये बिजनेस को भी प्रमोट करता है और टूरिज्म को भी प्रमोट करता है। लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए बहुत सही है, हमारे देश का इंटीग्रेटिंग फोर्स है। हमारी इकोनॉमिक लाइफ टू अ लार्ज एक्सटेंट रेलवेज पे डिपेंड करती है। फर्स्ट ट्रेन ऑफ इंडिया कब आई थी, 1953 में आई थी। कहाँ से कहाँ चली थी, मुंबई से ठाणे। इंडिया में 16 रेलवे जोन्स हैं। थ्री तरह की गॉज है, ब्रॉड 1.676 मीटर, मीटर 1 मीटर और नैरो 0.72 2.61 मीटर्स, ठीक है। हमारे यहाँ रेलवे का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अनइवन है। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेलवेज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेलवेज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला क्या है, फिजियोग्राफी, इकोनॉमी, एडमिनिस्ट्रेशन और डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। ये चार है, ये चार क्या है, फैक्टर्स। अब जो नीचे हम लोग पढ़ेंगे वो इन चारों में से कौन सा फैक्टर कहाँ पर प्रेजेंट है और कहाँ पर फेवरेबल तरीके से प्रेजेंट है और कहाँ पर अनफेवरेबल तरीके से प्रेजेंट है। फैक्टर चार ही है, फिजियोग्राफी, फिजियोग्राफी मतलब पहाड़। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार फैक्टर्स ही हैं, कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेलवे, ठीक है ना। दीप क्या, दीप, DEAP क्या, DEAP, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, इकोनॉमी, एडमिनिस्ट्रेशन और फिजियोलॉजी, ठीक है ना। अब हम लोग को इसके एग्जाम्पल्स देखने हैं। अब हम लोग क्या देखने हैं, इसके एग्जाम्पल्स देखने हैं। पहला एग्जाम्पल है नॉर्दर्न रेलवेज, नॉर्दर्न प्लेन्स। नॉर्दर्न प्लेन्स में देखे तो फिजियोग्राफी क्या है, अनफेवरेबल है, क्योंकि बहुत सारी रिवर्स है जिसकी वजह से ब्रिजेस बनाने पड़ते हैं और कॉस्ट बढ़ जाती है। लेकिन फेवरेबल चीजें क्या क्या है, लेवल लैंड है, पॉपुलेशन डेंस है, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन बोला ना हम लोगों ने, और इकोनॉमी अच्छी क्योंकि वहां का एग्रीकल्चर क्या है, डेवलप्ड है। दूसरा देके रखा हुआ है क्या, पेनिनसुलर रीजन। पेनिनसुलर रीजन की फिजियोग्राफी में क्या प्रॉब्लम है, तो हम लोगों ने बोला पेनिनसुलर रीजन की फिजियोग्राफी में ये प्रॉब्लम है कि जो ट्रैक्स है उनको बहुत हाई गैप्स और टनल्स के थ्रू बनाना पड़ता है। हिमालयाज में भी क्या है, फिजियोग्राफी में प्रॉब्लम है, रिलीफ बहुत हाई, अच्छा पॉपुलेशन बहुत कम है और इकोनॉमिक टर्म्स में देखें तो इकोनॉमी भी कैसी है, अंडर डेवलप्ड है। फिर रेलवेज इन राजस्थान में क्या प्रॉब्लम है, अगेन फिजियोग्राफी वाला प्रॉब्लम है कि आपको ट्रैक्स बनाना और मेंटेन करना बहुत डिफिकल्ट पड़ता है, सिंक होती जाती है सैंड के अंदर, ठीक है। फिर राजस्थान देख लिया, फॉरेस्ट एरिया में क्या प्रॉब्लम है, फॉरेस्ट बहुत डेंस होती है, तो मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ और ओडिशा में, ओडिशा में हम लोग फॉरेस्ट के बीच में ट्रैक्स ले करना बहुत मुश्किल होता है। सह्याद्रीज में भी वही टनल्स और कनल्स के थ्रू ट्रैक्स बनाना क्या होता है, परेशानी होती है।
कोंकण जो है वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है इकोनॉमी की टर्म्स में, ठीक है। और वहां पर जब से हम लोगों ने रेलवेज बनाए हैं वहां पर बहुत अच्छा हुआ है, क्योंकि मूवमेंट ऑफ गुड्स और पैसेंजर्स में बहुत इंक्रीज आया है और इकोनॉमी डेवलप हुई है। हालांकि देखा जाए तो यहाँ रेलवे बनाना बहुत डिफिकल्ट था, क्योंकि यहाँ पर लैंडस्लाइड भी बहुत होती है ज्यादा, और जो रेलवे ट्रैक्स आती है वो सिंक कर जाती है, ठीक है। तो ये क्या चीज थी, हम लोगों ने चार फैक्टर्स देखे थे, कौन से? डीईएपी, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, इकोनॉमी, एडमिनिस्ट्रेशन और फिजियोग्राफी। तो हमने सबसे पहले ऊपर देखा नॉर्दर्न प्लेन्स, नॉर्दर्न प्लेन से एकदम नीचे आ गए कहाँ, पेनिनसुलर रीजन, फिर नॉर्थ में हिमालयस, फिर राजस्थान, फिर फॉरेस्ट एरियाज ऑफ एमपी, छत्तीसगढ़ और ओडिशा, झारखंड, और फिर सह्याद्री, और लास्ट में कोंकण रेलवेज। इंडियन रेलवेज क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है? तो बोला बहुत बार पीपल ट्रैवल विदाउट टिकट्स, दूसरा थेफ्ट ऑफ रेलवे प्रॉपर्टी, पंखे चुरा लेते हैं, ट्यूबलाइट्स चुरा लेते हैं, डैमेज टू प्रॉपर्टी ऐसे ही तोड़ देते हैं, एंड पीपल पुल चेन अननेसेसरीली। इज दैट क्लियर? पाइपलाइंस बहुत काम की चीजें, ये तीन चीजें ट्रांसपोर्ट करने काम आती है जनरली, पहला वाटर, दूसरा केमिकल्स, और तीसरा पेट्रोलियम, क्रूड ऑयल जिसको हम लोग कहते हैं, और नेचुरल गैस, ठीक है ना। आजकल सॉलिड्स भी ट्रांसपोर्ट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्लरी, ठीक है। इसका एडवांटेज क्या है कि इसको ले डाउन करने का इनिशियल कॉस्ट तो बहुत ज्यादा है, लेकिन ओवरऑल रिपीटेटिव मेंटेनेंस कॉस्ट कुछ भी नहीं है, इसमें कोई डिलेज और लॉसेस नहीं होते, ठीक है। और इनलैंड रिफाइनरीज जो है, जैसे कि मथुरा में है, ये बहुत ज्यादा क्या है, डेवलप हो रही है बिकॉज ऑफ दीज पाइपलाइंस। हमारे यहाँ तीन मेजर बड़ी पाइपलाइन है जो तुमको बाय हार्ट करके जानी है, आसाम टू कानपुर, सलाया इन गुजरात, टू जलंधर इन पंजाब, हजीरा जगदीशपुर, हजीरा टू जगदीशपुर। इसमें इसको बोलते हैं HBJ, हजीरा बिजाईपुर और जगदीशपुर, आई बात समझ में। इसकी पाइपलाइन की लेंथ 1700 किलोमीटर कुछ करके है, ये भी एग्जाम में आता है, शायद 1710 है, क्लियर है क्या? वॉटरवेज जो है वो हमारे यहाँ बहुत टाइम से है, ठीक है। वॉटरवेज जो है हम लोग बहुत टाइम से यूज कर रहे हैं, ये हेल्प करती है क्या में, कॉमर्स और एग्रीकल्चर में, और इंडियन कल्चर को स्प्रेड करने में। चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट हैवी और बल्की गुड्स के लिए काम आता है, ठीक है। और ये फ्यूल एफिशिएंट है और एनवायरमेंटल फ्रेंडली है इन कंपैरिजन टू रोडवेज, रेलवेज एंड एयरवेज। हमारे यहाँ इनलैंड नेविगेशन कितने का है? 14,500 का, ठीक है, जिसमें 14,500 किलोमीटर, जिसमें से 3,700 किलोमीटर नेविगेबल है। नेशनल वाटरवे 1, नेशनल वाटरवे 2, नेशनल वाटरवे 3, तीनों बाय हार्ट होने चाहिए। नेशनल वाटरवे 1 कहाँ पर है? रिवर गंगा पे, बिटवीन अलाहाबाद एंड हल्दिया। नेशनल वाटरवे 2 का एप है ब्रह्मपुत्र, सलिया एंड डुबरी। नेशनल वाटरवे 3 का एप है वेस्ट कोस्ट कैनाल, केरला में, ठीक है। 1 गंगा, 2 ब्रह्मपुत्र, 3 वेस्ट कोस्ट बंगाल। गंगा वाला कहाँ? अलाहाबाद से हल्दिया, ब्रह्मपुत्र सलिया से डुबरी, और वेस्ट कोस्ट कैनाल कहाँ पर है? केरला में, क्लियर है। ये तो इनलैंड ट्रांसपोर्ट की बात हुई, ठीक है ना। इनलैंड ट्रांसपोर्ट के अलावा हम लोग जब क्या देखते हैं, ओशन वाला देखते हैं, तो हमारी कोस्ट लाइन कितनी है? 7,516.6 किलोमीटर। हमारे यहाँ 12 मेजर पोर्ट्स है जिसको हम लोग भी पढ़ेंगे, ठीक है, और माइनर पोर्ट्स भी हैं। इज दैट क्लियर? चलो सबसे पहले वेस्ट कोस्ट से स्टार्ट करें। सबसे पहला कौन सा है? कांडला, ठीक है। कांडला कहाँ पर है? कच्छ में है। फर्स्ट पोर्ट डेवलप हुआ था जो आफ्टर इंडिपेंडेंस, क्यों हुआ था? टू रिड्यूस द वॉल्यूम ऑफ ट्रेड ऑन मुंबई पोर्ट। ये कैसा पोर्ट है? टाइडल पोर्ट है, और यहाँ पर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है, स्पेसिफिकली कहाँ का? इंडस्ट्रियल बेल्ट ऑफ जम्मू कश्मीर, पंजाब एंड हरियाणा, ठीक है। सेकेंड है मुंबई पोर्ट, ये हमारे यहाँ का सबसे बड़ा पोस्ट है, पोर्ट है विथ स्पेशियस नेचुरल एंड वेल सेटल्ड हार्बर, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट क्यों बना था? टू डी कंजेस्ट मुंबई पोर्ट एंड सर्व एज अ हब पोर्ट फॉर दिस
रीजन। फिर इसके नीचे आओगे तो मार्मगाव फोर्ट कहाँ पर है, गोवा में। इंडिया का 50% आयरन एक्सपोर्ट, इंडिया का 50% आयरन एक्सपोर्ट कहाँ से होता है, मार्मगाव फोर्ट से होता है। इसके बाद आता है न्यू मैंगलोर, न्यू मैंगलोर कहाँ पर है, कर्नाटका में है। ये आयरन और एक्सपोर्ट करता है कहाँ की, खुदरेमुख माइंस का, कहाँ का, खुदरेमुख माइंस। फिर आ जाओ कैम्बे कोची, ये एक्सट्रीम साउथ वेस्टर्न पोर्ट है, ठीक है, और इसके पास भी एक लगून है विथ अ नेचुरल हार्बर। ये वेस्ट कोस्ट वाले सारे खत्म हो गए, अब आ जाओ कहाँ पे, ईस्ट कोस्ट पे सबसे पहला है टूटीकोरीन, साउथ ईस्टर्न पोर्ट है तमिलनाडु में, नेचुरल हार्बर है और रिच इन हिंटरलैंड। अगर बोलते हैं नेचुरल हार्बर वाले दो बताओ तो बता देना एक कौन सा, कोची, और दूसरा कौन सा, टूटीकोरीन। अगर टाइडल पोर्ट बोलते हैं तो ऊपर वाले देख के बता देना। तो प्लीज ये छोटी छोटी बातें क्या रखना, याद रखना कि आयरन और कहाँ से एक्सपोर्ट होती है, टाइडल पोर्ट कौन सा है, मुंबई पोर्ट को डीकंजेस्ट करने के लिए क्या बनाता, कोलकाता पोर्ट को डीकंजेस्ट करने के लिए क्या बनाता, ये छोटी छोटी चीजें प्लीज ध्यान रखना। चेन्नई ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट है, सेकेंड रैंक है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ ट्रेड। विशाखापट्टनम डीपेस्ट लैंड लॉस्ड और वेल प्रोटेक्टेड पोर्ट है, यहाँ से आयरन एक्सपोर्ट होता है। कोलकाता इनलैंड रिवराइन पोर्ट है, रिच हिंटरलैंड है गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का, टाइडल पोर्ट है, मिल गए दो तीन टाइडल पोर्ट, और इसको कांस्टेंट ड्रेजिंग की जरूरत पड़ती है। हल्दिया जो है ये क्यों बना था, कोलकाता पोर्ट पे जो प्रेशर है उसको रिलीव करने के लिए बना था। इज दैट क्लियर, ये क्या हो गए तुम्हारे 13 की 13 पोर्ट्स। नेक्स्ट, एडवांसमेंट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ अ कंट्री इज एन इंडेक्स ऑफ इट्स इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी। इट इज कंसिडर्ड एज एन इकोनॉमिक बैरोमीटर ऑफ द कंट्री। आपका जितना अच्छा इंडस्ट्रियल इंटरनेशनल ट्रेड होगा उतना अच्छा इकोनॉमिक बैरियर होगा, बैरोमीटर होगा, ठीक है ना। दो इसके कॉम्पोनेंट्स होते हैं, एक होता है एक्सपोर्ट, एक होता है इम्पोर्ट। जब एक्सपोर्ट ज्यादा होगा इम्पोर्ट से तो उसको बोलेंगे फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड, ठीक है, और उल्टा होगा तो अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। इससे क्या फायदे होते हैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड फेवरेबल होने से हम लोग बहुत सारा क्या करते हैं, फॉरेन एक्सचेंज अर्न कर पाते हैं, और इससे हमारे मेजर ब्लॉक्स ऑफ द वर्ल्ड से क्या होते हैं, ट्रेड रिलेशंस बने हुए रहते हैं। ये हमारे जीडीपी पे भी क्या करता है, जीडीपी ग्रोथ में भी कंट्रीब्यूट करता है। और अगर इंपोर्ट ज्यादा होंगे तो हमारी इकोनॉमी में क्या होगा, डाउनफॉल होगा, ठीक है। इंडियन पोस्टल नेटवर्क इज द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, हाँ, क्योंकि वो पास्टल्स पार्सल भी हैंडल करता है और पर्सनल लिटिल कम्युनिकेशन भी क्या करता है, हैंडल करता है। जो फर्स्ट क्लास मेल्स रहते हैं वो क्या होते हैं, एयरलिफ्ट होते हैं, एयरलिफ्ट मतलब प्लेन से जाते हैं। जो सेकेंड क्लास मेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, सरफेस मेल से जाते हैं, यानी कि लैंड और वाटर से जाते हैं। और क्विक डिलीवरी ऑफ मेल्स के लिए 6 नए मेल चैनल्स हमारे यहाँ इंट्रोड्यूस हो चुके हैं, राजधानी चैनल, एक्सप्रेस चैनल, इस तरह के 6 चैनल्स हैं। कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है तो हाँ है, पर्सनल कम्युनिकेशन और मास कम्युनिकेशन दो तरीके के होते हैं। पर्सनल कम्युनिकेशन मतलब मोबाइल फोन मैसेजेस और ये सारी चीजें, टेलीग्राम, पोस्टल, और मास कम्युनिकेशन मतलब टेलीविजन, रेडियो, फिल्म एक्सेट्रा, ठीक है ना। कार्ड्स और एनवेलप्स काय में आते हैं फर्स्ट क्लास मेल में, सेकेंड क्लास मेल में क्या आते हैं, बुक पैकेट्स और जो सरफेस मेल के थ्रू होते हैं, ठीक है। 6 चैनल्स के नाम याद रखना, राजधानी चैनल, मेट्रो चैनल, ग्रीन चैनल, बिजनेस चैनल,